नाराजी है। शिकायत में आता है कि हजरत बायजीद बस्तामी रहमतुल्लाह अलैह जिक्र इलाही में मसरूफ थे, अचानक गैब से आवाज आई कि ए बायजीद समान के बुतखाने में चले जाओ और उनकी ईद में लिबास से रहबान पहनकर शामिल हो जाओ। हजरत बायजीद कहते हैं कि इसे मैंने शैतान की शरारत और वसवसा समझकर झुटला दिया, लेकिन बार बार यही इशारा किया गया तो मैं समान के बुतखाने में जाकर उनमें उन्हीं का लिबास पहनकर बैठ गया। लोग जमा हो रहे थे, कुछ देर बाद उनका बड़ा रहमान वहां पहुंच गया। सब लोग उसका वास सुनने के लिए हमतन गोश थे। बहुत देर तक वो बड़ा रहमान कुछ ना बोला तो एक रहमान खड़ा हुआ और उसने बड़े रहमान से सवाल किया कि क्या हम आपकी हिकमत भरी बातें सुनने के लिए आए हैं, आप कुछ कहते क्यों नहीं हैं? अब बड़े रहमान ने कहा कि मुझे इस बात का यकीन है कि तुम में लिबास से रहबान में ही एक मुसलमान मौजूद है और वो तुम्हारे मजहब का इम्तिहान लेने यहाँ आया है। लोगों ने कहा कि आलीजा आप इशारा फरमाएं वो कौन है तो हम उसे कत्ल कर दें। बड़े रहबान ने कहा कि नहीं, उसे कत्ल न करो बल्कि हम इल्म और हिकमत और दलील और हुज्जत से उसे शिकस्त देंगे। फिर रहबान ने ऊंची आवाज में कहा, ए मोहम्मदी यानी ए मुसलमान, तुझे हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कसम है, तुम जहां भी हो खड़े हो जाओ ताकि हम सब तुम्हें देख सकें। हजरत बायजीद फरमाते हैं कि मैं खड़ा हो गया, जुबान पर जिक्र इलाही जारी था। तब बड़े रहबान ने कहा कि मैं तुमसे कुछ सवालात करूंगा, अगर तुमने उसके जवाबात दे दिए तो हम तेरे ताबे हो जाएंगे और अगर तुम जवाबात देने से आजिज हुए तो और जवाबात न दे सके तो हम तुझे कत्ल कर देंगे। बायजीद बस्तामी ने फरमाया, तुम सवाल करो, इंशाअल्लाह मैं जवाबात दूंगा। बड़े रहबान ने सवालात का आगाज किया कि वो एक चीज क्या है जिस जैसी दूसरी कोई नहीं है, वो दो क्या है जिनका तीसरा कोई नहीं है, वो तीन क्या है जिनके साथ चौथा कोई नहीं है, वो चार क्या है जिनके साथ पांचवा कोई नहीं है, वो पांच क्या है जिनके साथ छठा कोई नहीं है, वो छह क्या है जिनके साथ सातवां कोई नहीं है, वो सात क्या है जिनका आठवां कोई नहीं है, वो आठ क्या है जिनके साथ नवा कोई नहीं है, वो नौ क्या है जिनके साथ दसवां कोई नहीं है, वो दस क्या है जो कामिल हैं, और ग्यारह क्या है और बारह क्या है और तेरह क्या है और चौदह क्या है जो अल्लाह से बातें करते हैं, और बतलाओ कि वो क्या चीज है कि जो बगैर रूह के दम लेती है, और वो कब्र कौन सी है जो साहिब कब्र को लिए फिरती है, और वो पानी कौन सा है जो न आसमान से आया और न जमीन से निकला, और बताओ वो चार चीजें क्या हैं जो न जिन है न आदमी न फरिश्ता और न वो बाप की पुश्त से हैं और न माँ के शिकम से हैं, और बताओ कि सबसे अव्वल जमीन पर कत्ल किसने किया, और बताओ अल्तामिया क्या है, और बताओ कि वो कौन सा दरख्त है जिसकी 12 टहनियां हैं और हर टहनी में 30 पत्ते हैं और हर पत्ते में 5 शगुफे हैं और उनमें से 2 धूप के अंदर हैं और 3 साए में हैं, और वो क्या चीज है जो बैतुल हराम का हज करती है मगर उसमें न रूह है और न उस पर हज फर्ज है, और बताओ रात कहाँ जाती है जब दिन निकलता है और जब रात हो जाती है तो दिन कहाँ चला जाता है। ये सवालात करके रहबान खामोश हो गया। हजरत बायजीद बस्तामी जो अब तक बड़े सुकून और तामुल के साथ सवाल सुन रहे थे, फरमाया, सवालात खत्म हुए या और भी कोई सवाल है? रहबान ने कहा, बस इन सवालात के जवाब दो। हजरत बायजीद बस्तामी फरमाते हैं कि अगर मैं इन सवालात के जवाब दे दूं तो क्या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान ले आओगे? रहबान ने कहा कि हाँ, अगर तुम इन सवालात के जवाब दे दो तो हम सब मुसलमान हो जाएंगे। हजरत बायजीद बस्तामी ने फरमाया, तो सुनो, वो एक क्या है जिस जैसा दूसरा कोई नहीं, वो अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात पाक है, और जो दो हैं तीसरा उनके साथ कोई नहीं, वो दिन और रात हैं, और जो तीन हैं जिनके साथ चौथा कोई नहीं, वो अर्श कुर्सी और कलम हैं, और जो चार हैं पांचवा उनके साथ कोई नहीं, वो अल्लाह की चार किताबें तौरात जबूर इंजील और कुरान मजीद हैं, और जो पांच हैं छठा उन जैसा कोई नहीं, वो मुसलमान पर फर्ज 5 फर्ज नमाजें हैं, और जो छह हैं वो 6 दिन हैं जिनके लिए इरशाद हुआ, वलकद खलकनल समावात वल अर्द वमा बैनहुमा फी सित्तति अय्याम, और 7 जिनके साथ आठवां कोई नहीं, वो 7 आसमान हैं, और जो 8 हैं जिनके साथ नवा कोई नहीं,
وہ عرش عظیم اٹھانے والے آٹھ فرشتے ہیں اور جو نو ہیں دسواں ان کے ساتھ کوئی نہیں، وہ نو افراد کا گروہ ہے جنہوں نے زمین پر فساد کیا، جن کی اللہ نے قرآن مجید میں خبر دی ہے، اور جو دس کاملہ ہیں وہ دس فرائض ہیں جو مکہ معظمہ میں حاجیوں پر واجب ہیں جبکہ وہ حرم میں موجود ہوتے ہیں، اور گیارہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کے گیارہ بھائی ہیں جن کا تذکرہ قرآن مجید میں کیا ہے، اور بارہ بارہ مہینے ہیں ایک سال کے، اور جو تیرہ ہیں وہ تیرہ حضرت یوسف علیہ السلام کے خواب ہیں، اور جو چودہ ہیں وہ چودہ جو رب سے کلام کرتے ہیں، وہ سات آسمان اور سات زمینیں چودہ ہیں جو رب سے کلام کرتے ہیں، اور وہ چیز جس کے لیے تم نے پوچھا کہ جو بغیر روح کے سانس لیتی ہے وہ صبح ہے، اور وہ قبر جس کے لیے تم نے پوچھا کہ جو صاحب قبر کو لیے پھرتی ہے وہ یونس علیہ السلام کی مچھلی ہے، اور وہ پانی جو آسمان سے آیا نہ زمین سے آیا وہ شیشہ ہے جس میں بلقیس نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس گھوڑے کا پسینہ بھیجا تھا، اور وہ چار جو نہ باپ کی پشت سے ہیں نہ ماں کے شکم سے ہیں، ان میں سے ایک حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ قربان ہونے والا دمبا ہے، دوسری حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی ہے، تیسرے آدم علیہ السلام، اور چوتھی بیوی بی بی حوا علیہ السلام ہیں۔ زمین پر پہلا قتل قابیل نے کیا، التامیہ قیامت کا دن ہے جس دن حساب و کتاب ہوگا، اور وہ درخت جس کے لیے تم نے پوچھا کہ جس کی بارہ ٹہنیاں، ہر ٹہنی پہ تیس پتے، ہر پتے میں پانچ شگوفے ہیں، جن میں سے دو دھوپ میں اور تین سائے میں ہیں، وہ ایک سال ہے جس کے بارہ مہینے ہیں، ہر مہینے میں تیس دن ہیں، پانچ شگوفے پانچ نمازیں ہیں، اور وہ دو دھوپ میں ہیں تین سائے میں ہیں، اور وہ جو چیز جس کے لیے تم نے کہا کہ طواف کرتی ہے کعبے کا، نہ اس میں روح ہے نہ اس پر حج فرض ہے، وہ نوح علیہ السلام کی کشتی ہے، وہ دن اور رات اللہ رب العزت کے علم میں پوشیدہ ہو جاتے ہیں۔ جب حضرت بایزید بستامی علیہ الرحمہ نے سب سوالات کے جوابات دے دیے تو سب حیران اور ششتر کھڑے تھے۔ بایزید نے فرمایا، تم نے مجھ سے اتنے سوالات کیے، میں تم سے ایک سوال کرتا ہوں، بتلاؤ جنت اور آسمان کی کنجی کیا ہے؟ سب کو جیسے سانپ سونگ گیا، کوئی جواب نہیں ہے۔ کہا کہ ہم جواب دینے سے عاجز ہیں۔ حضرت بایزید رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں بتاتا ہوں آسمان اور جنت کی کنجی کیا ہے، خدا کی عزت کی قسم، وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، کہ یہ کلمہ پاک آسمانوں کی اور جنت کی کنجی ہے۔ بس آپ کا اتنا بیان کرنا تھا۔ حکایت میں آتا ہے کہ سب کی زبانوں پر کلمہ جاری ہو جاتا ہے، بت توڑ دیے گئے، اور جتنے وہاں پر موجود تھے سب ایمان لے آئے اور دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے۔